ऑलर गाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन वी विल बी डिस्कसिंग निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी इन डिटेल सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या हो सकता है पैटर्न्स किस तरह से डेवलप हो रहे हैं सिनारी एंड कंडीशंस किस तरह से हैं सेशन जैसे ही कंप्लीट होता है आप अपने क्वेश्चंस एंड क्वेरीज भेज सकते हैं आर बी आंसरिंग दोज एज यूजुअल सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टड विद दी निफ्टी सो so, निफ्टी में हम लोग स्टार्ट करें आई थिंक देर आर पीपल हु आर ज्वाइनिंग इट फर्स्ट टाइम और रिसेंटली आपने ट्रैक लॉस्ट कर दिया होगा तो जो सिनारी हैं मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ कि किस तरह से डेली पर डेवलप हो रहे हैं किस तरह से वन आवर पे ये स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है सो वेन वी लुक एट दिस स्ट्रक्चर एज़ एज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये पूरा का पूरा अपने आप में जो सीन एंड सिनारी प्ले कर रहा है यहाँ पर तीन वेव आपको दिख रही होंगे और उसके बाद इस केस में जो हमारी एंटिसिपेशन है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स वी आर एंटिसिपेटिंग वन अप एंड वन डाउन फ्रॉम हियर ये एक एंटिसिपेशन यहाँ से है वाई क्योंकि स्ट्रक्चर लाइक दीज जब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स करेक्शन होता है और अगर ये जो थर्ड वेव होती है यहाँ पे वन टू एंड थ्री अगर वहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करता है तो टेक्निकली वो सस्टेनेबल नहीं होता है तो उसके बाद क्या करता है मार्केट फिर आपका ये फेकआउट होता है और फिर लार्जर डिग्री पर ये डाउन साइड आ जाता है और टेक्निकली फिर यहाँ से आपका पूरा करेक्शन कैलकुलेट होता है और उसके बेसिस पे फिर नेक्स्ट पॉसिबल वेव आती हैं सो so इस तरह से सीन सिनारी प्ले आउट होते हैं व्हेन द मार्केट इज़ मेकिंग फॉल्स आउट और ब्रेकआउट वेन वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल दिस बट वेन इट हैपन्स आफ्टर दिस थ्री वेव ये सस्टेनेबल नहीं होता ये जो ब्रेकआउट है सो रीजन बिकॉज ऑफ दैट जो निफ्टी का अप मूव है ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप में से बहुत सारे जानते हैं 2020 से मार्केट एक अप ट्रेंड में है सो so ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये अपने आप में अभी हेल्दी करेक्टिव स्ट्रक्चर है सो दैट मीन्स यहाँ पर जो फेक आउट की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो लोअर साइड पर हैं तो so इतने पॉसिबिलिटी नहीं है कि मार्केट फेक आउट करने वाला है रादर ये क्या करेगा अपने आप को हेल्दी करेक्ट करके पैटर्न कंप्लीट करके एंड देन इट गोज़ फॉर दी अपसाइड और उस केस में ये जो अपसाइड रहेगा सस्टेनेबल भी रहेगा और उसमें काफ़ी अच्छी वेव्स की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ से निकल सकती है इन द मीन वाइल दैट इज़ द एंटिसिपेशन ऑन द डेली एंड डेली के ऊपर की जो टाइम फ्रेम है अभी के लिए हम लोग ये एंटिसिपेट कर रहे हैं विच मीन्स लार्जर स्केल पर हम शायद विद इन अ मंथ एक मंथ से ये डिस्कस कर रहे हैं जब से ये वेव यहाँ से नीचे से रिवर्स कर रहा है आई थिंक आई आई डोट हैव अ स्नैप शॉट रेडी बट आई थिंक फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स इफ यू टॉक अबाउट सो आठ अप्रैल आज सोलह हो चुका सो so एक मंथ से ज़्यादा हो गया बट टेक्निकली हम लोगों को यही एंटिसिपेट यहाँ से करना है एंड देन यूर लुकिंग फॉर दिस ऑन ए डेली स्ट्रक्चर सो ये तो सीन सिनारी हो गए अपने डेली पर इन द मीन वाइल ये जो स्ट्रक्चर है कल आपको कल जो सेशन में आया था आपको एक एस बी आई का चार्ट याद होगा mm -hmm. Let me show you or explain you that SBIN, it should be this one, just give me a second, yeah. सो so, टेक्निकली ये जो डाउन मूव यहाँ पर देख रहे हो इसमें पांच वेव का एंटिसिपेशन है जब वन टू तो, थ्री फोर फाइव अगर चार्ट्स पर जाकर देखेंगे तो टेक्निकली वैसे ही प्ले आउट हुआ है तो वैसे ही ये जो सीन सिनारी यहाँ से जो ड्रॉप है वो तीन वेव का है सो दैट इज़ सीन सिनारी इन थ्री वेव्स फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स विच मीन्स कि ये कहाँ पर आएगा ये जो सपोर्ट है यहाँ पर सो so, ये कहाँ पर आएगा राइट सो टेक्निकली वो वहीं पर आएगा जहां पर मैंने उसको ड्रॉ किया है सो दैट इज ऑन व्हेन वन आवर पर आपने स्ट्रक्चर एंटिसिपेट करना है कैसे करोगे लास्ट सेशन में जो हमने डिस्कस है वही जब तक आप इसके लेफ्ट साइड में हो ये वेव अपने आप को एक्सटेंड करता रहेगा इस वेव के जो लोअर साइड के एक्सटेंशन के सपोर्ट है मोस्ट प्रॉब्लम आई थिंक एक रफ नंबर है सत्रह हजार का सो सत्रह हजार का यहां पर हॉरिजॉन्टल एक लेवल है जिस जिसपे आप फोकस कर सकते हैं विच मीन्स दिस विल बी डूइंग दिस मोस्ट वन प्रोबली पॉसिबिलिटी मेकिंग दैट एज अ थ्री वेव और उसके बाद यहां पर आप एंटिसिपेट कर सकते हैं एज अ सेम केस ये आपके सपोर्ट है विच मीन्स आपके रेजिस्टेंस कहाँ पर है लास्ट वीक के अगर आप रेजिस्टेंस या अपर साइड के लेवल्स देखें तो वो थे अठारह हजार बट ड्यू टू दिस एक्सटेंशन वो अट्ठारह हजार से सरक कर यहां पर भी आ सकते हैं, means, एक प्राइस बैंड बन सकता है सो so, 17,800 से so, लेके 18,000 की एक अपर साइड की प्राइस बैंड है सो दैट्स द अपर साइड रेंज इन द निफ्टी व्हेन इट कम्स टू 17,000 के लोअर साइड के सपोर्ट है दैट मींस इस वीक क्या फॉलो कर सकते हैं ये रही वन आवर के स्ट्रक्चर्स अब रही बात विद इन अ डे और टू आप क्या फोकस करेंगे यहाँ पर ट्रेंड दिख रहा है आपको ये इंटरनल वेव देखो ये खत्म नहीं हुई है पर जो विद इन अ डे और टू के सिनारी हैं उसके लिए मैं आपको एस एन पी दिखाता हूँ कि एस एन पी पे क्या सिनारी डेवलप हो रहे हैं बिकॉज आने वाले एक दो दिन में आप वहाँ से एंटिसिपेट करेंगे लोअर साइड एंड ये अपर साइड हमने लास्ट सेशन में ही डिस्कस किया था राइट नाउ प्राइज वहीं पर खड़ा है दैट मीन्स कि विद इन अ डे और टू ये मैग्नेटिक लेवल है एंटिसिपेशन इस मार्केट से क्या है कि ये देखो यहाँ पर एक पीस गिरा वन पॉसिबल नेक्स्ट वेव एंड ये ड्रॉप डाउन ये ड्रॉप डाउन अगर फोर थ्री सिक्स ज़ीरो के पहले रिवर्स करना स्टार्ट कर देता है तो टेक्निकली ये फोर वन फोर फोर वन फोर को दोबारा क्लेम करेगा और उस केस में टेक्निकली ये इस जो कंप्लीट हो रही है नीचे की ये वेव इसे भी फिनिश कर सकता है दैट मीन्स यहाँ पर एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है पर वो बात की बात रहेगी इन द मीन वाइल ये एक पॉसिबिलिटी है सो so, इस वेव और इस कंडीशन पर ध्यान रखना ज़रा मंडे ऑनवर्ड्स आपने ये प्लान ज़रूर फोकस करना क्योंकि अगर वंस इट कम्प्लीट दिस स्ट्रक्चर वो करेगा क्या वो निफ्टी को यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा फॉर द वीक विच मीन्स ये तो आपका स्ट्रक्चर वाइज सपोर्ट है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर आपके स्ट्रक्चर वाइज जो एस एन पी से सपोर्ट आएंगे दैट्स विल बी कमिंग समवेयर हीयर ये आपके सपोर्ट बनेंगे रफली नंबर देखिए तो शायद सत्रह हज़ार तीन सौ तीन सौ पचास का आ रहा है दैट मीन्स ये आपके यहाँ पर जब इंटरनल सपोर्ट बनेगा और इसे आप एस एन पी से कन्फर्म करेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वन आवर पर जो स्ट्रक्चर होगा वो आपकी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा बट अगेन इसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि हम इससे अठारह हज़ार या सत्रह हज़ार आठ सौ पचास या सत्रह हज़ार आठ सौ का जो रेजिस्टेंस बैंड हमने अभी डिस्कस किया है उसे वायलेट करें सो so ये आप एंटिसिपेट तभी करेंगे जब एस एन पी इस मूव को कंफर्म करता है इफ़ एस एन पी इज़ नॉट कंफर्मिंग द मूव दैट मींस दिस इज़ योर लोअर साइड दिस इज़ द ट्रेंड यू वुड बी फॉलोइंग फॉर द वीक एंड दिस इज़ द मूव यू आर एंटिसिपेटिंग तो दैट्स आई थिंक द निफ्टी एंड वन आवर एंड डेली स्ट्रक्चर ये बदलाव नहीं होंगे आई थिंक ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसका लार्जर स्केल से कोई लेना देना नहीं है वो सिर्फ इंटरनल वेव अपनी कंप्लीट कर रही है विच मीन्स आप जब तक इस ट्रेंड के अठारह हज़ार के नीचे हो आप इससे एंटिसिपेट करेंगे एंड विच मीन्स अब इस सारे प्लान को ध्यान में रखते हुए बैंक निफ्टी पर क्या सिनारी रहेंगे बैंक निफ्टी के जो सिनारी रहेंगे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है ये डायरेक्शन वाइज निफ्टी कुछ अलग बता रहा है बैंक निफ्टी कुछ अलग बता रहा है इन द मीन वाइल ऐसा ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है द वीकर वन जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ डायरेक्शन होगी उसे ज्वाइन करेगा ऐसा नहीं होगा कि बैंक निफ्टी पूरा अपसाइड के लिए है और निफ्टी नीचे के लिए है, राइट सो so, इस वीक सिर्फ ओनली दिस वीक क्योंकि इवेंचुअली जो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है वो कंफ्यूजिंग है सो so, करना क्या है सिर्फ सिर्फ इस वीक निफ्टी पे फोकस करो बैंक निफ्टी में सिर्फ एक लेवल्स ले सकते हो कि जो अपर साइड के रेजिस्टेंस हैं लोअर साइड के सपोर्ट हैं वो कहाँ पर हैं सो so, यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ सपोर्ट है वो इस लेवल के आसपास है टेक्निकली ये जो लो आप देख रहे हो इससे आप फोकस कर सकते हो जो अपर साइड की रेंज है वो टेक्निकली यही है विच मीन्स कई बार ये केसेस में एक ड्रॉप करते हैं शायद मार्केट को लाइक अगर ऐसे सिंगापुर निफ्टी देखें तो अभी फ्लैट ही चल रहा है लगभग बट मोस्ट प्रॉबली कई बार ये गैप डाउन होते हैं दे क्लेम बैक ऑन द डेली स्ट्रक्चर इसकी जो अपर साइड की रेजिस्टेंस होती है वो होती है थर्टी एट थाउजेंड की दैट मीन्स इफ़ इट गोज़ ऑन अ वन आवर स्ट्रक्चर एंड इफ़ यू डू समथिंग लाइक दिस चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि आप विल कम बैक डाउन अगेन दैट मीन्स अपर साइड एंड लोअर साइड की रेंज वो जो लोज हमने डिस्कस करा था वहाँ पर और अपर साइड के थर्टी एट थाउजेंड सो नंबर्स इस बार बैंक निफ्टी में फोकस करना है लोअर साइड आपके यहाँ पर हैं अपर साइड आपके यहाँ पर हैं जो स्ट्रक्चर वाइज एंटिसिपेशन है ये वीक में बैंक निफ्टी का जो एंटिसिपेशन है डायरेक्शन वाइज वो क्लियर हो जाएगा पर इसके साथ साथ लास्ट वीक अगर आपने एनालिसिस नहीं देखा है देखा तो उसे देखो क्योंकि वहाँ पर हमने डिस्कस करा कि जस्ट बिकॉज अगर निफ्टी में सेल ऑफ कंफर्म होता है तो वो क्या करेगा बैंक निफ्टी को ड्रैग करेगा और नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम दी बाइंग परस्पेक्टिव यू आर टॉकिंग अबाउट ये बैंक निफ्टी में अपडेट होगी थर्टी के के आसपास ये तीस हजार के आसपास इसको भूल मत जाना टेक्निकली इस इंटरनल स्ट्रक्चर में अभी भी काफ़ी कुछ है hey, कंप्लीट होने को बट लार्जर स्केल पे वही रहेगा जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया सो कुछ खास बदला नहीं है ऑन द लार्जर स्केल इंटरनली निफ्टी के बहुत इजी स्ट्रक्चर है टू आइडेंटिफाई बैंक निफ्टी में इस बार सिर्फ लेवल वाइज फोकस करें विच मीन्स 36,450 ऑन द लोअर साइड 38,000 ऑन द अपर साइड दैट्स निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी फ्रॉम माई साइड लेट्स टेक द क्वेश्चन ऑल एड गाइज वीडियो खत्म करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पब्लिक वेबिनार होते हैं अगर आप ये अटेंड करना चाहते हैं तो ये पब्लिक टेलीग्राम चैनल है जिसे ज्वाइन कर कर हर फ्राइडे को रात आठ बजे ये लाइव सेशन आप अटेंड कर सकते हैं जहां पर आप अपने क्वेश्चंस एंड क्योरीज रिगार्डिंग द चार्ट पैटर्न्स एंड द स्ट्रक्चर या कोई स्टॉक है उसके बारे में पूछ सकते हैं वी विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ दोज क्वेश्चन इन द लाइव सेशन सो विद दैट सेड आई सी यू इन द नेक्स्ट लाइव सेशन थैंक यू सो मच हैव ए लवली डे